बड़ो को प्यारी कोना, छोटो को प्यार, छोटी सी है जिंदगी, खुश रहना मेरे यार। तो इसी के साथ आज के इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का जो दिन है, अभी तो टाइम हुआ, सिर्फ 10:30 के आसपास टाइम हो गया अभी। तो मैंने अपनी ज्योग्राफी पूरी कर ली है, उसका सिर्फ एक वो बच गया चैप्टर, ये अपनी 6th क्लास की, जो कि कल पूरी हो जाएगी। बड़ी खुशी की बात है, और समझ जाएंगे इसके, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो उससे पहले का बता दूं मैं, उससे पहले न्यूज़पेपर पूरा हो गया अपना आज का, कैब भी हो गई थी, और उस बाद जो हमने जो लिखने थे अपने नोट्स बनाने थे, नोट्स बनाने थे। फिर 6 बजे के आसपास भाई सब नींद आ गई, तो मैं सो गया था, 1-1.5 घंटा सो गया आराम से। मेरा वो कौन है यार, यार कुछ ना कुछ तो रह गया, इधर कॉल मैच रह गया था, और फिजिक वो ज्योग्राफी रह गई थी, आज पीसीएल रह गई। करते इसका भी इलाज आराम से, 1 तारीख तक कोशिश करेंगे कि सारी चीज कंटिन्यू हो ना, सोने की कोशिश ना करेंगे, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करेंगे आराम से, कुछ ना कुछ तो कराएंगे, इसमें भी बढ़िया तरह अपनाओगे टाइम टेबल अपनाना। तो ये टाइम अपना के फिजिक्स पढ़ने का, फिजिक्स नहीं के यार, किस दिमाग दे रहा तेरा, काम कहाँ है, फिजिक्स थोड़ी पढ़ेगा, एक जो पढ़ेगा। आज वैसे भी रिविजन डे है हमारा, सैटरडे है ना, रिविजन डे को हम क्या करते हैं अपना, सैटरडे संडे रिविजन डे है, तो आज हम जो हमारी हिस्ट्री है ना, उसका थोड़ा चैप्टर बच गया है, उस चैप्टर में पहले हम तो करेंगे पूरा। जब उस चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर जो हमारा जो वैदिक है उसका करेंगे पूरे का रिविजन, ठीक है। आज कल हम उसका पूरा रिविजन करके, अगर टाइम बच गया इसमें, तो जो पिछला है उसका रिविजन कर लेवांगे, ठीक है। ये प्रोसीजर अभी तो बस क्या फिजिक्स पढ़, फिजिक्स याद आवा, फिजिक्स 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 ना खा लिए भाई साहब, तो फिजिक्स पास पढ़ गया उसने ना पढ़ पूरा दिन, ठीक है भाई साहब, पढ़ लिया अपनी हिस्ट्री थोड़ी बहुत, आज चैप्टर पूरा कर दिया वहाँ, हम रिविजन कर लेवा बढ़िया तरिया, ठीक है। जो भी तो मिलते हैं आपको हिस्ट्री पढ़ने के बाद, ना कि फिजिक्स पढ़ने के बाद, हिस्ट्री पढ़ने के बाद, फिजिक्स पढ़ने से पहले, यानी कि 12 बजे मिलेंगे आपको। अब हम तब तक के लिए हम भी अपना मोड नॉलेज पढ़ने का खा पी लो, ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ अभी। फाइनली अपनी जो हिस्ट्री है उसका रिविजन कर दिया शुरू, कल जो वैदिक है उसने पूरा रिविजन कर दिया, अगर कल नहीं होगा मैं कोशिश करूंगा कल ही उसका रिवीजन पूरा हो जाए। हाँ, 2 घंटे ले लूंगा ज्यादा से ज्यादा, 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लूंगा कल, जो वैदिक सो अपनी जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसका पूरा पूरा रिवीजन पूरा हो जाएगा। तो ये अपना टाइम आ गया भाई फिजिक्स करण का, फिजिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर है वो पूरा हो लिया था, दूसरा चैप्टर का आधा जो थोड़ी पोर्शन है वो हो गया था पूरा। ये जो टाइम अपना किसी के मांगे हम, थोड़ी पोर्शन तो अपना कंप्लीट हो गया था। आज तो हम करेंगे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल शुरू करा हमें, न्यूमेरिकल जितने होंगे 2 घंटा हम उतने न्यूमेरिकल कर दिया होंगे, और जो इसका एक्सरसाइज पार्ट होगी वो भी शुरू कर दिया होंगे। आज मैं और कल मैं जो इसके एक्सरसाइज पार्ट है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा होने के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, ये पूरा होने के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीक में जो चैप्टर है इसको हम कंप्लीट कर देंगे, इसके जितने भी एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज वगैरह है, सब कुछ हम इसको पूरा कर देंगे नेक्स्ट वीक में। जब ये नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसका एक रिवीजन उठा देंगे, पूरा बंगाल से इसका रिवीजन कर देंगे, चैप्टर थर्ड चैप्टर पूरा हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, कंप्लीट कर देंगे चैप्टर में। फिर अपना फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे जो कि छोटा सा चैप्टर है, फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ में कितने पार्ट है भाई देखने पड़ेंगे, फिफ्थ में सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन ऑफ मोशन, हाँ फिफ्थ के 2 पार्ट है। कोई नहीं, अगले महीने नेक्स्ट मंथ में कोशिश करेंगे, जो यह बुक है तीसरा चौथा पांचवा हो गया, आज सेकंड ऑर्डर करना है इसका, हाँ सेकंड चैप्टर, यानी कि अगले मंथ में पूरी बुक है अपनी जो फिजिक्स की प्लस वन की, या पूरी कर देवांगे अगले मंथ में, कोशिश रहेगी कि अच्छे से पूरी हो जाए बुक, बढ़िया तरीके की एक एक लाइन याद करनी इसकी, या पूरी होने के बाद नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ में पूरी हो जाएगी, जून में या हो जाएगी, जो इसका सेकंड पार्ट, जुलाई में सेकंड पार्ट कर देवांगे, जून जुलाई अगस्त में हमारा फर्स्ट हो जाएगा 12th का, जून जुलाई अगस्त, फिर सितंबर में, हाँ सितंबर में पूरी प्लस वन प्लस टू कवर हो जाएगी, सितंबर अक्टूबर में हमारा एग्जाम तो है, देखते हैं कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले प्लस वन प्लस टू तो पूरी कर देवा कम से कम। उसके बाद अपने क्या करेंगे,
ग्रेजुएशन पढ़नी है फिजिक्स की, पूरी बढ़िया तैयारी करनी है। पहले हम तो प्लस टू बढ़िया तैयारी कवर करनी है, करी इसमें करना साथ साथ ध्रुव की धुन ठगा पढ़नी सही ज्यादा एक पर इंतरण ला रहे हैं, इतना भारी वो जो मन है। ठीक है भाई साहब, मैं पढ़ लिया अपनी फिजिक्स, ओके टाइम हो गया अपने फिजिक्स पढ़ने का, तो मिलते हैं आप, मिलते हैं थोड़ी देर में फिजिक्स पढ़ने के बाद, आपको बताते कितना कवर होया अपना सिलेबस। पता नहीं आज तो कल तो पढ़ नहीं पाएगा, आज पढ़ लेंगे मैथ में। सो फिजिक्स का टाइम हो गया पूरा अपना, यानी कि न्यूमेरिकल कर लिए, जो सॉल्व न्यूमेरिकल तभी होगी, जो उसकी एक्सरसाइज भी पीछे क्वेश्चंस की वो हो गई है, बस जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है वे बच गए, और कुछ एक्सरसाइज रह गई लिखने वाली, तो वो हम कल करेंगे उस चीज़ को। तो फिजिक्स का कल देखते हैं, अगर कल चैप्टर पूरा हो गया तो अच्छी बात है, ना तो सोमवार ना तो नहीं मंडे ट्यूसडे ने पूरा हो जाएगा चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज बन जाएगी फाइनली। तो अब टाइम अपना मैथ कवर करने का, मैथ में हम आज नोट्स बनाएंगे, इसके जो अपना स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट है ना उसके नोट्स तैयार करेंगे आज, जितने भी नोट्स बनेंगे आज कल बना लेंगे अपने उन नोट्सों को। सो पेज भी अपने थोड़े बच गए हैं, तो मैं तो एक कॉपी की या इसने खोल लूंगा, अब मैं इसने खोल कर इसमें तो पेज साइड करूंगा, तो पेज साइड करके इन पर नोट्स बनाऊंगा, तो इन्हें साइड कर लूँ मैं। आओ इनको पहले खोल लेते हम, उसके बाद हम अपने नोट्स बनाएंगे। थोड़े थोड़े खोल ले इन्हें, है ना। कि बात तो जा नहीं सकते भाई, कॉपी लेने या पेज लेने, सीधी बात है, बाहर है लॉकडाउन, आज वो भी बंद है, सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे तो वैसे ही बंद हो गया, तो इससे बढ़िया कॉपी पड़ी थी इसने खोल ले वहाँ, और के काम आओ जाएंगे बाद में, बाइंडिंग तो कराने से जैसे दिन की बाइंडिंग हो जाएगी, काम नहीं रुकना चाहिए भाई अपना, सीधी बात है, ये बाद में आ जाएगी और कॉपी, सीधी बात है, ये तो अपना काम थोड़ी रोका। ये ग्रेट सक्सेस, इसमें साइड में करते हैं, जो पेज कुछ पेज में यूज कर रखे हैं इनको हम साइड में रख देते हैं, और जो लास्ट का है इसको भी साइड में करते हैं, ये वाले ये बाद में काम आ जाएंगे, तो अपना साइड में हो जाओ भाई साहब, तुम चल रहे। ये अपने पेज हो गए भाई साहब काम के, ठीक है आधे पेज ले लियो हूँ, आधे रख दिए भाई हमने फिजिक्स हो गया अपनी आज की साइड में, मैथ मैथ ने ले लिया, इसके नोट्स बना लिया अपने, पढ़ लिया मैथ, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद मैथ पढ़ने के बाद इंग्लिश के टाइम पे, तब तक के लिए आराम कर लेते हम थोड़ा बहुत। सो मैथ का तो काम हो गया अपना, यानी कि थोड़े से नोट्स बना लिए हैं मैथ के, जो नोट्स बना रहे हैं किस चीज़ के बना रहे, कौन टॉपिक हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के, सो उसके तो बना लिए नोट्स, तो आज थोड़ा बच गया तो कल वो पूरा हो जाएगा, मे भी कल पूरा हो जाएगा, देखते हैं, कल पूरा नहीं आता भाई परसों कर लिया, बस बढ़िया तरीके करके चलना, हर एक चीज़ नहीं बढ़िया तरीके कवर, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये टाइम है अपना इंग्लिश पढ़ने का, 3:30 हो गए हैं, टाइम है इंग्लिश पढ़ने का। सो इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ एक्सरसाइज रह रही है, पहले उन्हें करूंगा, फिर दोबारा से इसी चैप्टर का रिवीजन करना है आज और कल, अभी इसके नोट्स नहीं बनाएंगे हम, इसके नोट्स बनाएंगे मंडे के बाद, ट्यूसडे से हम इसके नोट्स बनाने शुरू करेंगे,
एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितने भी होगा उतने में उसका नोट्स पूरे हो जाऊंगे आराम से। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो अब आपने इंग्लिश पढ़ लियो, पेट पूजा बीच में कर ली थी, भूख लगी थी जब खा लिया था, बीच में चावल बनाए थे खा लिया थे, तो पढ़ाई जरूरी है भाई समझे ना। कर ले वहाँ 4-5 महीने, 4-5 महीने चम का पढ़ाई कर लेना, कोई दिक्कत ना है। तो बस न्यू चलती था पढ़ाई स्मूथली, रोज की रोज होती था, कोई दिक्कत ना हो। सुबह डगमगा आ गया बस 1 आध घंटा और नींद नहीं आया ना, तो पढ़ाई तो सही चल रही है। उसका थोड़ा बहुत अफसोस हो, उसने भी करा एडजस्ट, 1-2 दिन में उसने भी एडजस्ट, फ्रेंड में उसके बुला देंगे ना, तो कोई दिक्कत ना हो। बहुत जो सो आज की पढ़ाई हो गई अपनी पूरी, बस इंग्लिश का हो गया सब्जेक्ट वगैरह एग्रीमेंट पूरा हो गया चैप्टर, कल उसका सूत्र रिविजन कराएंगे बढ़िया तरीके अपने नोट्स दवा, कल नहीं, हाँ कल नहीं करते नोट्स, कल अच्छे से फेस दोबारा उसका रिविजन कर दिया अभी। ओके, जो मैथ का था अपना परसेंटेज, जितनी एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज हो गई पूरी, रिविजन हो गया उसका, नोट्स नहीं बनाए आज मैंने, नोट्स मैं कल बनाऊंगा उनके बढ़िया तरीके, दोबारा से रिविजन हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे उनके एक्सरसाइज के सारे के सारे। सो बस आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई वीडियो में नए दिन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, बी सेफ बी हैप्पी।